हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये लास्ट लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, आइसोमेरिज्म का। हमने लास्ट लेक्चर में सब चीज पढ़ ली थी, मोनोडेंटेट के एग्जांपल के थ्रू हमने ऑक्टाहेड्रल के एग्जांपल पढ़े थे फ्रेंड्स, और स्क्वायर प्लेनर के। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो का मेन लेक्चर ये इस पर है कि फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो लास्ट ईयर में आए हैं आइसोमेराइजेशन से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में बता देता हूँ। बाइडेंटेट लिगेंड में कैसे देखेंगे हम कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर होगा और ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ओके फ्रेंड्स, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस टाइप से बनेंगे। तो फ्रेंड्स, स्क्वायर प्लेनर के हम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट क्वेश्चन पुटअप होता है कि हम ऑक्टाहेड्रल में कैसे निकाल लेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड में कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव होगा और कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो फ्रेंड्स, उसको देखने के लिए फ्रेंड्स हमें थोड़ी कुछ पॉइंट्स हमें याद करने होंगे, जिससे कि इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपका कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव होगा और कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमें देखना है कि नोट करना है इन केस ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बाइडेंटेट लिगेंड का है फ्रेंड्स। तो उसमें पहली कंडीशन याद दिया, अगर दो बाइडेंटेट लिगेंड सिमिलर है, ठीक है फ्रेंड्स, दो बाइडेंटेट लिगेंड सिमिलर है और दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड, और कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा बन रखा है MAA का होल सिक्स, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और उसमें दो बाइडेंटेट लिगेंड सिमिलर है और दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड सिस है। अब दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड सिस है, अब जो दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये कंडीशन है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, पूरा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम आसानी से निकाल देंगे, बट क्वेश्चन अगर ये आ गया कि टोटल आइसोमर निकालने को पूछेगा, तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिव भी काउंट करने होंगे, तो ऑप्टिकल एक्टिव काउंट करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ये पहली कंडीशन है कि दो बाइडेंटेट लिगेंड सिमिलर है और दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड है और वो दोनों किस पर है, सिस पर है, ठीक है फ्रेंड्स। वो दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो अगर ये कंडीशन है तो वो कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिव होगा। जैसे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एम है, ये ए का होल ट्वाइस है, ये ए का होल ट्वाइस है, तो ये ए है, तो आपको ये पता है ये दोनों सिस है और ये दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड सेम है, और अगर ये सिस पर है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है फ्रेंड्स, एक बात। अब दूसरी बात है इनकेस ऑफ ट्रांस, अगर ये ट्रांस हो जाए, तो ट्रांस मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर 180 डिग्री पर है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसमें भी देख लेते हैं क्या है, इन केस ऑफ ट्रांस इफ मोनोडेंटेट इज सेम, अगर मोनोडेंटेट सेम है, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड सेम है तो क्या होगा, चाहे बाइडेंटेट लिगेंड कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर चाहे बाइडेंटेट लिगेंड कोई भी हो, सिमिलर हो, एसिमेट्रिक हो, तो क्या होगा फ्रेंड्स, पूरा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लिखा है मैंने, जैसे ये एम है, अब ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस है, और ये ए, ये सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड है, और ये आपका, अगर ये अनसिमेट्रिकल भी ले लेता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये अनसिमेट्रिकल भी ले लिया तो भी ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब तीसरी बात है, तीसरी ट्रिक समझ लो फ्रेंड्स इसको, कि हाउ टू कैलकुलेट दी, हाउ टू डिटरमाइन दी ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस वाई ट्रिक, ठीक है फ्रेंड्स, इन बाइडेंटेड लिगेंड। तो अब तीसरी बात है, अगर इफ ट्रांस में मोनोडेंटेड लिगेंड डिफरेंट हो, अगर ट्रांस आइसोमर है, ठीक है फ्रेंड्स, और मोनोडेंटेड लिगेंड डिफरेंट है, तो तब कैसे निकाल लेंगे, दोनों में बाइडेंटेट लिगेंड, तो एक बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिक हो। अब देखिए फ्रेंड्स, दो मोनोडेंटेड लिगेंड और दोनों ट्रांस है, ठीक है फ्रेंड्स, और दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड डिफरेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब कंडीशन देखेंगे, अगर एक बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिक है और दूसरा बाइडेंटेट लिगेंड अगर एसिमेट्रिक हो, तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लो एक बार, ट्रांस में अगर कोई ट्रांस कॉम्प्लेक्स है, उसमें दो मोनोडेंटेट लिगेंड है और वो दोनों डिफरेंट है, तो अब देखेंगे उसमें कि बाइडेंटेट लिगेंड कैसा आया, अगर एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पूरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ये है, ये ट्रांस का एग्जाम्पल है, अब आपका यहाँ पर दो मोनोडेंटेड लिगेंड ट्रांस पर है बट दोनों डिफरेंट है, और उनके मोनोडेंटेड लिगेंड चेक करें, उनके बाइडेंटेट लिगेंड चेक करेंगे, एक सिमेट्रिक है और दूसरा एंटी सिमेट्रिक है, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर इफ दोनों बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिक हो, अगर दोनों बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, दो मोनोडेंटेड लिगेंड दोनों ट्रांसपोजिशन पे और दोनों डिफरेंट है, तब देखेंगे, और अगर दोनों बाइडेंटेड लिगेंड सिमेट्रिक हो, तो पूरा कॉम्पाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने आपको इन ऑप्टिकल एक्टिव
निकालना बता दिया कि ऑप्टिकल एक्टिव कैसे निकालते हैं इन बाइडेंटेड लिगेंड में, अगर बाइडेंटेड लिगेंड है और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालनी कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिव होगा, तो इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स निकाल सकते हो ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइडेंटेड लिगेंड में। स्क्वायर प्लेनर में आसानी से, स्क्वायर प्लेनर एक तो प्लेन में होता है, उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होती नहीं, केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकलेंगे, बस इसी में कंडीशन आती है कि ऑक्टाहेड्रल में हम ज्योमेट्रिकल निकाल लेंगे बट ऑप्टिकल एक्टिव कैसे निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ट्रिक है आपको ऑप्टिकल एक्टिव निकालने की। अब फ्रेंड्स हम इस वाले लेक्चर का सेकेंड पार्ट करते हैं कि कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स हो कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको, जिससे आपकी काफी हेल्प हो सकती है इनकमिंग एग्जाम में। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपको। अब ये पहला क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, अब हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पहले ये बात ध्यान रख लो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने, ठीक है, द नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, सीओ ऑक्सिलेट है फ्रेंड्स, पीएमईथ्राइस का होल ट्वाइस है, NH3 और Cl इज, तो इसमें बताने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे। तो फ्रेंड्स ऑक्सिलेट क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स ऑक्सिलेट आपका, तो ये हो गया, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है और वो भी सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो मैं इसको ए लिख सकता हूं। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स कि इस वाले कॉम्प्लेक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये मेटल हो गया, ये ए आपका ऑक्सिलेट हो गया। ठीक हो गया फ्रेंड्स, अब ये पीएमई था, इसको मैं बी2 लिख लेता हूं और इसको ए लिख लेता हूं, इसको आप मैं लिख लेता हूं सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने हैं, तो फ्रेंड्स देखते हैं कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो जो मेरा आपका बाइडेंटेट लिगेंड है वो सिमेट्रिक है, तो उसको तो एक ही साइड रख देता हूं मैं, कोई इश्यू ही नहीं होगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं, अब मैं एक बार बी को ट्रांसफर रख देता हूं, दोनों बी को ट्रांसफर कर देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए और सी को यहां पर रख दिया मैंने, सिस रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं दूसरी कंडीशन में करता हूं, बी और सी को ट्रांसफर रख देता हूं। ठीक है, तो मैं ए और बी को यहां पर रख देता हूं। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने क्या करा, पहली कंडीशन में मैंने बी बी को ट्रांसफर रखा, दूसरी कंडीशन में मैंने बी सी को ट्रांसफर रख दिया, अब तीसरी कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी को ट्रांसफर रख देता हूं और यहां पर बी हो गया और यहां पर सी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरी चौथी कंडीशन ये बनती है कि मैं ये भी कर सकता हूं, ये ए है, ये ए है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी को ट्रांसफर रख सकता हूँ, ए बी को ट्रांसफर रख सकता हूँ, तो ये सी और ये बी, तो ए बी को ट्रांसफर रखने पर बट ये सिमिलर कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ये अगला कोई आइसोमर नहीं होगा, तो फ्रेंड्स क्योंकि ये इसके सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला आइसोमर नहीं होगा, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने, एक दो तीन, तो कितने हो गए फ्रेंड्स, थ्री ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए। ठीक है, तो इसका एग्जाम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका, ये मैंने पहले, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है कि अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ये भी गेट में आया हुआ फ्रेंड्स। अब ये कह रहा है दी कॉम्प्लेक्सेस सीओ एन एस थ्री का होल फोर वाटर सी एल, ब्रैकेट के बाहर बी आर टू लिख रखा है, और सेकंड कॉम्प्लेक्स दे रखा है सीओ एन एस थ्री का होल फोर Br2Cl into water are example. Example बताना है हमें किसका example होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा लिंकेज आइसोमेरिज्म दे रखा फ्रेंड्स, तीसरा दे रखा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और चौथा दे रखा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें दिख रहा है कि फ्रेंड्स क्या हो रहा है, स्पेशली अगर मैं इसको यहां पर बना देता हूं तो सीओ एन एस थ्री का होल फोर आपका वाटर हो गया। ठीक हो गया फ्रेंड्स, सीएल ये बी आर टू हो गया, और सेकेंड वाला क्या है फ्रेंड्स आपका सीओ एन एस थ्री का होल फोर बी आर टू सीएल इंटू वाटर। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में ये क्या हो रहा है, ये आपको पता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ये आयनाइजेशन स्फीयर होता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये आयनाइजेशन स्फीयर। तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर बिटवीन से
आयनाइजेशन स्फीयर में, ये क्या था, यहाँ तो दो बीआर थे, यहाँ पर एक एक एक्वा और एक सीएल था, और इसमें क्या हुआ, दो बीआर अंदर आ गए और ये दोनों बाहर हो गए। तो फ्रेंड्स किसका एग्जांपल हो गया है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल नहीं हो सकता फ्रेंड्स, लिंकेज आइसोमेरिज्म भी नहीं हो रही है, लिंकेज आइसोमेरिज्म स्पेशली बाइडेंट है, वो सॉरी एम्बिडेंटेड लिगेंड फॉलो करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नहीं होगा, ठीक हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि बीआर टू इसमें गिवन नहीं है कि बीआर टू सिस होगा ट्रांस। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल है कि ऑप्शन बचता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का, ये एग्जांपल ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, सेकंड क्वेश्चन हो गया ये, मैं इसको मिटवा देता हूँ फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये कह रहा है कि ये द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, तो ये एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, सीओ इथाइलिन डायमीन डाइक्लोरो कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ, ठीक है फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताने हैं, सीओ इथाइलिन का होल ट्वाइस सीएल टू, ठीक हो गया फ्रेंड्स। इसके टोटल आइसोमर तो हमें बताया, टोटल आइसोमर नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो आइसोमर्स का मतलब हो गया टोटल बताने हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर बताने हैं, ज्योमेट्रिकल भी बताने हैं, एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर भी बताने हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम क्या हो सकते हैं इसके, सीओ सीओ ये ठीक हो गया फ्रेंड्स, इथाइलिन का मतलब इथाइलिन डायमीन आ गया, ये एन हो गया, ये एन हो गया, तो मैं एक बना देता हूँ फ्रेंड्स, मैं एक बार बना देता हूँ सिस और एक बार बना देता हूँ ट्रांस, तो सीएल सीएल ये एन हो गया, ये एन हो गया, ये एन हो गया, ये बाइडेंटेड लिगेंड है फ्रेंड्स, सॉरी ये तो ट्रांस हो गया, अब मैं इसको सिस बना देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, ये एन हो गया, ये एन हो गया, ये सीएल। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको एक पहले ट्रिक बताई है कि अगर बाइडेंटेड लिगेंड, दो बाइडेंटेड लिगेंड एक साथ बन रहे हो और दो मोनोडेंटेड लिगेंड सिस पर हो, एक दूसरे पर सिस पर हो और दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड सेम हो, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है, ओके फ्रेंड्स, वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये ट्रिक बताई है पहले। तो फ्रेंड्स इसमें टोटल आइसोमर कितने हो गए, एक ट्रांस हो गया और एक सिस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, और कौन सा हो गया, और ये जो सिस वाला है, सिस आइसोमर जो ऑप्टिकल एक्टिव भी है, तो कितने हो गए फ्रेंड्स, टोटल हो गए थ्री आइसोमर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या इसका आंसर हो गया, थ्री हो गया, ठीक हो गया, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ओके फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, ये आया है नेट में आया है, तो ये देखते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन कलर्ड NiPPS2 इथाइलिन का होल ट्वाइस Br2 हैज मैग्नेटिक मोमेंटा दे रखा 3.2 बोर मैग्नेट्रॉन में दे रखा है। अब ज्योमेट्री बतानी है, एक तो बतानी है इसकी में ज्योमेट्री बतानी है, एंड द पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्सेस आर, तो पहली ज्योमेट्री बतानी है हमें और दूसरी बतानी है कि पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, ये तो कॉम्प्लेक्स है, ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा ग्रीन कलर्ड का कॉम्प्लेक्स है NiPPS2 इथाइलिन का होल ट्वाइस Br2, ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, हमें दिख रहा है कि Ni+2 में है, ओके फ्रेंड्स, और 3D8 है, ठीक हो गया, इतनी बात पता लगती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये बताना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर और ज्योमेट्री, तो इन्होंने कुछ हिंट्स देने के लिए इन्होंने मैग्नेटिक मोमेंटा दे रखा है 3.2। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंटा 3.2 कैसे आएगा, 3.2 कैसे आएगा फ्रेंड्स, जब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो जब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका अगर हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटा निकालते हैं तो √4s × s+1 से हमारा 2.9 के अप्रोक्स 3 के आता है, तो उससे ये पता लग गया कि फ्रेंड्स इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया फ्रेंड्स, 3D आपका ये एस हो गया, ये तो फ्रेंड्स इतना पता लग गया कि अगर ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटे की वैल्यू 3.1 के अप्रोक्स आएगी। तो फ्रेंड्स इससे ये पता लग गया कि इसका टेट्राहेड्रल होगा ये, तो फ्रेंड्स जो इनकमिंग लिगेंड हो गए वो इधर से आएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो टेट्राहेड्रल, तो इतनी बात पता लगी इस वाले हिंट से हमें ये पता लगा कि ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा। अब हमें ये पता है कि टेट्राहेड्रल में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती नहीं है, तो कितना क्या पॉसिबल आइसोमर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो हमने चौथा क्वेश्चन, आप फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी फ्रेंड्स नेट में आया हुआ है, तो देखते हैं हम। तो अब ये कह रहा है दी नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो हमें स्टीरियो आइसोमर निकालने हैं। रूथीनियम का एक कॉम्प्लेक्स है पीपीएस थ्री का होल ट्वाइस, एसी एसी का होल ट्वाइस। तो फ्रेंड्स मैं यहां लिख देता हूं इसको, आर यू पीपीएस थ्री का होल ट्वाइस है और एसी एसी का होल ट्वाइस है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। इसमें बताना है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर का मतलब ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो एसी एसी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये एसिटाइल एसिटोनेट होता है और ये कुछ इस टाइप से होता है फ्रेंड्स, एसिटाइल एसिटोनेट, और ये बाइडेंटेट लिगेंड का काम करता है, बाइडेंटेट लिगेंड की तरह वर्क करता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कि मेटल हो गया पीपीएस थ्री को मैं ए टू लिख देता हूं और इसको क्या लिख देता हूं ए, क्योंकि मोनोडेंटेट, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड और सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं इसमें कितने आइसोमर निकलते हैं हमारे। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें वही दो कंडीशन, एक सिस हो सकता है एक ट्रांस हो सकता है। ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए, ये ए। मैं एक बार सिस बना, एक बार ट्रांस बना लेता हूं, ये ट्रांस आइसोमर हो गया। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये ट्रांस है और मैं अब सिस बना लेता हूं। अब ये मैंने सिस बना लिया। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा सिस हो गया। तो अब मैं, अब वही कंडीशन कि अगर सिस हो और दो बाइडेंटेट लिगेंड एक साथ बन रहे हो और जो मोनोडेंटेट है वो सेम हो, अगर सिस कंडीशन है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो ये सिस हो गया एज वेल एज ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गए इस वाले के और एक ऑप्टिकल एक्टिव वो सिस वाला, तो टोटल कितने हो गए, थ्री होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन हो गया बी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये आइसोमेरिज्म खत्म हो गया, आइसोमेरिज्म का टॉपिक कंप्लीट हुआ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और जितना हो सके शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर ऑल दिस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय।